फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी दिन सोमवार। तो सोमवार का दिन है फ्रेंड्स, और मेरा आज है पशुपति व्रत। पशुपति व्रत मेरा आज तीसरा सोमवार है। तो मैं 4 बजे उठ गई थी, सारी तैयारी कर ली हूँ और अब वेट कर रही हूँ मंदिर का। मंदिर ही हमारे यहाँ बहुत लेट खुलता है और मैं सारी सामग्री अपना इकट्ठा कर ली हूँ। दिखाती हूँ आपको, मैं पूजा की थाली है, सुबह की थाली है, बाकी मैं शाम की भी थाली आपको दिखाऊंगी। और इधर ये रहा समय पत्र, इधर ये बेल पत्र। बेल पत्र बहुत सारा है, 5 सुबह चढ़ाती हूँ और शाम को 2 चढ़ाती हूँ, और जो प्रसाद चढ़ाती हूँ उसमें भी एक एक रखती हूँ। तो बेल पत्र कम से कम 15-15 है, नीचे ही रखा है। और ये अंगूर जो कि भोग के रूप में, उसके ऊपर ये रहा धतूरा जो कि बाबा को बहुत प्रिय है, भोले बाबा को भांग बहुत प्रिय है। और एक केला भी, 4 केला है, 2 अभी चढ़ाऊंगी, 2 शाम के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो भी सामग्री आप ले जाते हैं, जो भी पूजा के लिए, जो भी भोग के लिए, आपको उसमें से आधा बचा के शाम के लिए रखते ही रखते हैं। तो मैं 4 केले ली हूँ, तो सुबह के लिए 2, शाम के लिए। और ये दुर्वा जो कि गणेश जी को समर्पित करने के लिए, और दुर्वा में 3 गांठ होनी चाहिए। तो ये देखिए, 2 अभी चढ़ाऊंगी, 2 शाम को। और ये नंदी जी को देने के लिए, नंदी को शाम सुबह दोनों का मैं ले ली हूँ उसी हिसाब से। और ये पंचामृत बनाई हूँ, पंचामृत जो कि अभिषेक के लिए बाबा को, पहले सबसे पहले नहलाऊंगी, उसके बाद अभिषेक करूँगी। इसमें घी, दूध, दही, चीनी और शहद, 5 चीज़ों का मिश्रण है, 5 चीज़ से मिला के पंचामृत बनता है। और ये रहा घी, शाम को तो सुबह एक ही दिया जलता है, शाम को 2-6 दिए जलते हैं, तो अभी सुबह के लिए तो मैं 1 दिया रखी हूँ। और इधर रहा ये पीला चंदन, ये रहा गुलाल, और ये रहा सफ़ेद चंदन। मैं छोटे छोटे डिब्बों में टोकरियाँ भी मेरे घर में छोटे छोटे इस तरीके से वो हैं, कटोरियाँ भी हैं, लेकिन ये प्लेट में नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए डिब्बी में रख दी हूँ। और ये माता को, माता के लिए सिंदूर, और ये अक्षत, ये इत्र, ये कपूर आरती के लिए, और ये गुलाल तो बताई ही हूँ फ्रेंड्स। और इधर ये खुले फूल हैं, और ये मोली है, और आपको दिखाती हूँ मैं। और इसके नीचे भी रखा है फ्रेंड्स, ये बैर भी है नीचे, दिखाती हूँ, और नीचे बैर भी है। इस थाली में आ नहीं रहा था, तो ऊपर नीचे करके किसी तरह से सब एडजस्ट कर ली हूँ। और ये जनेऊ है जो कि बाबा को अभिषेक नहलाने के बाद ये पहनाना होता है, तो ये रहा जनेऊ। और बाबा को जो भी प्रिय है, भांग तो मिल गया फ्रेंड्स, लेकिन धतूरे का ना तो पुष्प मिल पाया, ना मुझे धतूरा मिल पाया, यहाँ पे वो ढूंढी पर नहीं मिला। और ये रहा जल, सिंपल सा, इसमें अक्षत और गंगा का जल और पुष्प, ये जल। और इधर ये ली हूँ बाबा को, जब अभिषेक करूँगी, अभिषेक करूँगी तो बाबा को नहलाना होता है ना अच्छे से, जितनी जितना पंचामृत होता है सब अच्छे से साफ करना होता है, तो इतना 1 डल्लू पानी ले रखी हूँ मैं। और फ्रेंड्स, बस ये मेरी सुबह की थाली रही, और मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल से। बस मंदिर यहाँ पे लेट खुलता है, तो इसलिए मैं मंदिर के इंतज़ार में खड़ी हूँ अभी तक, अपने घर पे ही हूँ। और अब एक बार फिर से जाके देख के आती हूँ मंदिर खुला कि नहीं खुला, तब फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि जितना सुबह पूजा कर ली जाती उतना ही अच्छा होता है। तो कोई सा भी व्रत रखो आप, कोशिश करो कि सुबह ही पूजा हो जाए। तो जब मैं शाम की पूजा करने जाऊंगी, शाम को सिर्फ 6 दिए और प्रसाद रखना होता है बस। और जिस दिन उद्यापन होता है, जिस दिन लास्ट सोमवार रहता है, 5 सोमवार करना होता है, उस दिन नारियल और आपके इच्छानुसार जो पैसे रखने होते हैं वो रखते हैं। तो मेरी ये सुबह की थाली तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, और बस मंदिर में तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, नहीं तो मैं पूजा पूरी विधि करके दिखाती कि कैसे सबसे पहले क्या करते हैं और कैसी इनकी पूजा विधि है, तो वो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मैं प्रयास करूँगी उस चीज़ को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, और कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भी अवश्य लिखना। जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। Thank you.